बिहार दानापुर के जमसौत गांव में सिस्टर सुधा बड़े बदलाव ला रही हैं। जमसौत और आसपास के गांव बिहार की महिलाओं के लिए आदर्श गांव में से एक हैं। सिस्टर सुधा गांव में न सिर्फ स्वच्छता और महिला शिक्षा में बदलाव ला रही हैं, साथ ही वो पीरियड के दौरान सैनिटाइजेशन को लेकर भी जागरूकता लाने में कामयाब रही हैं। अब यहाँ की महिलाएं पहले की तरह पीरियड्स के दौरान अनहाइजीनिक उपाय करने के बजाय खुद के बनाए आनंदी सैनिटरी पैड्स का ही इस्तेमाल करती हैं। आनंदी सैनिटरी पैड्स की जमसौत में नींव रखने और इसमें लोकल महिलाओं को रोजगार देकर उनके आर्थिक हालात में सुधार लाने का श्रेय भी सिस्टर सुधा को जाता है। 30 साल पहले मैं इधर पहुंची, उस समय महिलाओं का सेहत एकदम खराब रहते थे और हमको लगा कि एक कारण यही था कि इसका मासिक धर्म पर कोई ध्यान नहीं देते थे, उसको संभालने के लिए असुरक्षित तरीका अपनाते थे। तो मुझे लगा कि जैसे आनंदी जैसे पैड्स इधर ही बनाए और महिलाएं उपयोग करें, तो उसी मतलब से आनंदी पैड्स का जन्म बिहार में इधर ही हुआ है। अब गांव वाले भी सिस्टर सुधा को फरिश्ता मानने लगे हैं।